सांसद रामदास तरस ने वर्धा से नांदेड़ तक शुरू होने वाले रेलवे हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा भी की कि कितने चरणों का काम पूरा हो चुका है और कितने चरणों का काम अभी पूरा होना बाकी है। साथ ही कहा कि ये ट्रेन वर्धा से कलम और वर्धा से देवली के बीच चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि ट्रेन देवली के गांव में आएगी, इसलिए ये ट्रेन लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी। उस समय उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील गफाट, वर्धा विधान परिषद विधायक डॉक्टर रामदास आम्बटकर, जिला उपाध्यक्ष जयंत कावड़े उपस्थित थे। साथ ही इस बार उन्होंने रेलवे के काम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। सांसद रामदास तड़स ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है। सांसद रामदास तड़स ने आज विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्धा नागपुर रोड स्थित कान्हापुर का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि बाईपास सड़क इस बार कान्हापुर के गांव से होकर गुजरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह बाईपास मामा भांजे की दरगाह से शुरू होगी और यह बाईपास नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगा। इसके साथ ही वर्धा की आत्मा रहे बजाज चौक पर 2009 से काम ठप है, अब वह काम पूरा हो चुका है और बजाज चौक पर रेलवे का 80% फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका। इस दौरान अधिकारियों ने यह भी कहा कि रेलवे की मंजूरी के बाद काम पूरा किया जाएगा। साथ ही सांसद रामदास तड़स ने आदेश दिया कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस मौके पर उन्होंने बजाज चौक स्थित फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए गए हैं और अगले कुछ दिनों में रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वर्धा नांदेड़ जो रेलवे मार्ग है तो 2009 मध्ये याचा भूमिपूजन झालं होतं, पण त्यावेळी थातूर मातूर काम झालं होतं, भूमी अधिग्रहण भी झालं नव्हतं आणि अनेक लोकांच्या देवीच्या लोकांच्या सुद्धा जमिनी गेल्या होत्या, पैसे मिळत नव्हती, ही परिस्थिती होती। म्हणून वारंवार याचा प्रश्न हाऊसमध्ये उपस्थित झाला, मी स्वतः केला आणि 2016 मध्ये हा जो प्रकल्प आहे तो प्रधानमंत्री कार्यालयानं आपल्या पोर्टलवर घेतला, म्हणजे डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालयातून याची देखभाल होत होती आणि 2016 पासून या वर्धा नांदेड या रेल्वे मार्गाला खरी सुरुवात झाली आणि 2023 मध्ये हा जवळजवळ डिसेंबर किंवा जानेवारीच्या 2024 जानेवारीपर्यंत वर्धा ते कळंब हा पहिला टप्पा चालू होणार आहे। सप्त्याचं काम जो पूर्ण झालेलं आहे, रेल्वेकडे मेगा ब्लॉक आणि त्यांच्या तांत्रिक एक मंजुरी पाहिजे आपल्याला, यांच्याकडनं डिझाईनकडनं परमिशन पाहिजे। ते स्ट्रक्चर आपल्याला लॉन्च करायचं आहे, लॉन्चिंग स्कीम आपली जी आहे ती लॉन्च करण्यासाठी रेल्वेकडनं। एनबीसी न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।